आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें अभी तक हमने पढ़ा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। आज हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। साइज, जो सेरेब्रम होता है इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे लार्ज पार्ट होता है, लगभग 80% होता है, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम का होता है 80%। जबकि सेरेब्रम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये होता है 12.5% ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, जो सेरेब्रम है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, जबकि सेरेब्रम हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। ये है सेरेब्रम, ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है, सेरेब्रम एंड डायसेफेलॉन। अभी हम देख रहे हैं सेरेब्रम के बारे में। और जो सेरेबेलम है, ये सेरे फ्लोवर शेप है ना, ये सेरेबेलम है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। पार्ट सेरेब्रम है टू पार्ट, नोन एज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो सेरेब्रम के टू पार्ट होते हैं जिसे बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये जो सेरेब्रम का पार्ट दिख रहा है ये साइड का है, इसलिए हमें एक ही दिख रहा है ना। अगर हम सामने से देखें तो इसके ये दो हेमिस्फीयर हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और जो इसको ज्वाइंट किया है ना दोनों को, उसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। ये जबकि जो सेरेब्रम हैज थ्री कॉम्पोनेंट, टू सेरेब्रलर हेमिस्फीयर एंड ए वर्मिस। जो सेरेब्रम के उसके टू पार्ट हुए सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ऐसे एक ये और एक ये, ठीक है। जबकि जो सेरेब्रम है उसके थ्री कॉम्पोनेंट होते हैं, ठीक है ना, तीन पार्ट होते हैं, टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर और एक वर्मिस। ये तो हेमिस्फीयर हैं दो, ठीक है, हेमी मीन्स हाफ, स्फीयर मीन्स गोला, ठीक है ना, और ये है बीच में वर्मिस, वर्म से। तो थ्री कॉम्पोनेंट हो गए ना, टू तो हेमिस्फीयर और वन वर्मिस। फिर पोजिशन, सेरेब्रम फॉर्म एंटीरियर सुपीरियर एंड लेटरल पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, जबकि सेरेबेलम है पोस्टियर पार्ट ऑफ द ब्रेन बनाता है। ये है ना, ये पूरा पार्ट है सेरेब्रम का, ठीक है, ये सेरेब्रम है। तो ये फ्रंट का हो गया और ये पोस्टियर पार्ट हो गया, जबकि ये है हाइंड ब्रेन का पार्ट सेरेबेलम। तो ये पोस्टियर, पोस्टियर मतलब पिछला, और एंटीरियर मतलब सामने का पहला, ठीक है ना। अगला कैविटी, सेरेब्रम है टू लेटरल कैविटी। जो सेरेब्रम में टू कैविटी मिलती है जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल, जबकि सेरेबेलम में कैविटीज एब्सेंट होती हैं। लोब, जो सेरेब्रम है उसे फोर लोब होते हैं, ठीक है, ऐसे। ये फ्रंटल लोब सामने का, फिर ये पैराइटल लोब, और ये ओसीपिटल लोब। जो पोस्टीरियर है उसको बोलते हैं ओसीपिटल लोब, और ये है टेम्पोरल लोब। चार हो गए ना, 1, 2, 3 और 4। तो सेरेब्रम के पार्ट हो गए 4, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ओसीपिटल लोब। जबकि जो सेरेबेलम हेमिस्फीयर है विदाउट एनी लोब, उसमें कोई लोब नहीं होते, कि ये है सेरेबेलम हेमिस्फीयर, इसमें कोई लोब नहीं होता। फिर है 6, सेरेब्रम इज सेंटर ऑफ इंटेलिजेंसी, मेमोरी, कंट्रोल, मस्कुलरिटी ऑफ मूवमेंट एंड सेंसेशन। सेरेब्रम से भी हमें किस चीज़ का बोध होता है, मतलब हमारी जो इंटेलिजेंसी का जो माप है वो है सेरेब्रम, मतलब जो इंटेलिजेंस के जो सेंटर सिचुएटेड है वो होते हैं सेरेब्रम में। और हमारी याददाश्त, हमारी कितनी तेज मेमोरी है, शार्प मेमोरी है, वो सेरेब्रम पे डिपेंड करती है। और जितनी भी हमारी मस्कुलरिटी है वो भी कंट्रोल करता है सेरेब्रम, हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उस सेंसेशन को कंट्रोल करता है। जबकि सेरेबेलम इट मेंटेन इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेट, मतलब हमारे बैलेंस को ये कंट्रोल करता है, और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन भी एस्टेब्लिश करता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। साइज सबसे बड़ा होता है सेरेब्रम, लगभग 80% होता है, सेरेबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। सेरेब्रम के टू पार्ट होते हैं जिसे सेरेब्रम हेमिस्फीयर बोलते हैं, जबकि सेरेबेलम के थ्री कॉम्पोनेंट होते हैं जिसमें दो सेरेब्रलर हेमिस्फीयर और एक वर्मिस। पोजिशन, सेरेब्रम एंटीरियर सुपीरियर लेटर पार्ट ऑफ ब्रेन बनाता है, जबकि सेंटीरियर पार्ट बनाता है, ठीक है। सेरेबेलम में टू कैविटी होती है जिसे वेंट्रिकल बोलते हैं, जबकि सेरेबेलम में कैविटीज एब्सेंट होती हैं। सेरेब्रम में फोर लोब्स होते हैं, जबकि सेरेबेलम में कोई लोब नहीं होता है। सेरेब्रम
सेंटर ऑफ इंटेलिजेंसी, मेमोरी, कंट्रोल, मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ मूवमेंट एंड सेंसेशन, जबकि सेरेब्रम हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है, मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, ये था आज का छोटा सा टॉपिक सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।